सभी को आज ऑनलाइन के समय स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप सब अपनी कॉपी और हिंदी व्याकरण की किताब निकालेंगे, मैं आज आपको पाठ पांच संज्ञा पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण तो संज्ञा का होता है नाम, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आपके घर में जितने भी सामान है नाम वाले वो सब संज्ञा है। उसके बाद आपके भाई बहन सबके नाम होते हैं, जैसे गीता, मोहन, रेखा, सीता, ये सब जो क्या है नाम है। रेखा मोहन सीता ये सब जो हो गया नाम हो गया, ये सब जो हो गया आपका संज्ञा होता है। तो किसी भी नाम को संज्ञा कहेंगे, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो ये सब हो गया संज्ञा। तो आपके घर में बहुत सारे संज्ञा थे, जैसे पंखा हो गया, टेबल हो गया, आपके बैग में रहते हैं संज्ञा, जैसे कॉपी, पेंसिल, किताब, ये सब क्या है संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी निकालेंगे और लिखेंगे और मैं जो समझा समझेंगे और इसका जो होमवर्क होगा मैं उसको आपको कॉपी में लिख करके क्वेश्चन सर भेजूंगी। तो यहाँ संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के होते हैं तीन भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जिससे व्यक्ति व्यक्ति का नाम के बाद में, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप ये राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, जैसे कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री हुए, तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी भी व्यक्ति महान व्यक्ति है या फिर कोई भी व्यक्ति है उसके नाम को हम क्या कहते हैं संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया आपका, हो गया जातिवाचक संज्ञा, किसी भी शब्द से उसके जाति के बारे में बताया जाता है, पूरी जाति का मूल उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे जानवर, मनुष्य, झुंड समूह होता है, विद्यालय, ये सब हो गया आपको जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आ जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का जिस रूप से जिसको आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों से झगड़ा करते हैं तो आपको दुख होता है, जो आप अंदर से फील करते हैं, महसूस करते हैं, वही हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई, तो ये सब क्या हो जाता है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आप अपने घर में संज्ञा सबको ढूंढेंगे कि आपके घर में क्या क्या संज्ञा है और क्या क्या उसके नाम है, तो आप अपने घर में देखेंगे तो आपके घर में क्या है, ऊपर में फैन पंखा चलता रहता है जो आपको गर्मी से राहत देता है। उसके बाद हो गया आप कॉपी किताब पर पढ़ते हैं, या फिर आपके घर में नाम हो गया, जैसे कि आपकी बहन का नाम हो गया, आपके भाई का नाम हो गया, अनाज का नाम हो गया, जानवर का नाम हो गया, तो ये सब क्या हो गया आपका संज्ञा हो गया। तो आपका संज्ञा हो गया पाठ पांच है। इसी के साथ मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।